गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज कॉरपोरेशन के ऑफिस में आज रोडवेज कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते कर्मचारियों में काफी रोष है। गुरुग्राम के खटोला गांव में हरियाणा रोडवेज कॉरपोरेशन के ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज कर्मचारी ने प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांग की 70 से 80 कर्मचारी पिछले 6 महीने से वेतन न मिलते के चलते परेशान है। रोडवेज के इस वर्कशॉप पर नई बसों को तैयार किया जाता है, घाटे में चलने के चलते पिछले 6 महीने से कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारी ने कई बार परिवहन मंत्री से भी मुलाकात की है, लेकिन इस तरह का कोई समाधान नहीं मिला। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का मुख्य सेक्रेटरी सचिव हूँ मैं। यूनियन की तरफ से इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ और जैसा भी आगे प्रोग्राम देंगे हम इनकी लगातार सपोर्ट करते रहेंगे, इनके आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। साझा मोर्चा इनके जो इनकी घोषणा होगी उसके आधार पर इनकी सपोर्ट करेगा, आंदोलन की घोषणा करेगी HRC के नेता और हम उसी तरह सपोर्ट करें जैसे आंदोलन की ये घोषणा करेंगे हम उनके साथ। धूप सिंह, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का प्रधान हूँ यहाँ। तो साथी ने जो समस्याएं रखी हैं, समस्याएं तो जो कि क्यों हैं सारी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि हमारे आज दो साथी परिवहन मंत्री से बातचीत करने के लिए गए हैं, तो उनसे कैसी बातचीत हुई है उनके आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारा ये है कि हमने यहाँ दो दिन यहाँ रोज प्रदर्शन किए हैं और आज ये पहला दिन है, 2 दिवसीय हमने ये धरना दिया है और जब तक हमारी इन मांगों का समाधान नहीं हो जाता है जब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। आगे स्टेट कमेटी से और साझा मोर्चा से बातचीत करके इस आंदोलन को और तेज करेंगे। अगर सर आपके इन मांगों का समाधान नहीं होता आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति अनिश्चितकालीन धरना भी दे सकते हैं, हम हड़ताल पर भी जा सकते हैं, वो ऊपर हमारे साथ में मोर्चे से बातचीत करके हम आगे वो आंदोलन को बढ़ाएंगे। साझा मोर्चा की तरफ से आप लोगों को क्या कोई सपोर्ट मिला अभी तक? उनकी तरफ हाँ, साझा मोर्चा के हमको पूरी सपोर्ट है, हमारे नेता हमारे बीच में आए हुए हैं, साझा मोर्चा के नेता हैं और पूरा परिवहन विभाग के कर्मचारी हमारे साथ हैं, इन्हें ऐसा आश्वासन दिया है और हम जब तक हमारा इन मांगों का समाधान नहीं हो जाता हम अपने जोर शोर से लड़ाई जारी रखेंगे। आपकी जनरल मैनेजर से क्या बातचीत थी जैसे कि वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने? जनरल मैनेजर तो जी देखो इनके हाथ में कुछ है नहीं, वो उच्च अधिकारी उन्हें करना है, ये तो हमारे पॉजिटिव हैं, हमारे साथ 6-7 महीने से ये आए हैं और ये पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि टेंडर हों कैसे भी काम चले। आज भी आज आश्वासन दे के करे गए हैं यहाँ पर कि कैसे भी हमारा ये काम चले, डिपो में एडजस्ट न करने बजाय हमारी आचारी से चले यहाँ काम चले, तो इनकी भी इच्छा ये है, नए नए GM हैं और इनकी भी हमारे साथ ये अच्छी वो है। जो हमारे HRC के एम्प्लॉयज हैं उनको 4-5 महीने से जो सैलरी नहीं मिल रही, उसका मेन रीज़न है कि भाई यहाँ कोविड की वजह से पिछले 2-3 सालों से फैब्रिकेशन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारे को स्टेट ट्रांसपोर्ट से बसेज नहीं मिल पाई थी जिसके कारण HRC लॉस में चली गई है। और मेन रीज़न तो यही है क्योंकि यहाँ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बस फैब्रिकेशन का ही है और जब तक बस हमारे पास आएंगी नहीं तब तक हमारे को थोड़ी दिक्कत है इस मैटर पे। अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट से हमारे को 809 बसों का प्रपोजल मिला है और जैसे ही मेरे पास 64 बसेज अभी चेसिस ऑलरेडी आ चुके हैं और हमारा फैब्रिकेशन का काम होपफुली मई में स्टार्ट हो जाएगा और ये जो समस्या बनी हुई है हमारे सामने सैलरी की आई थिंक वो दूर हो जाएगी। नहीं नहीं हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को इस बारे में पता था कि भाई हमारी HRC लॉस में चल रही है और जिस कारण उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही और हमारे उच्च अधिकारी हैं जैसे हमारे MD साहब हैं, चेयरमैन हैं, उनकी नॉलेज में भी है कि भाई HRC लॉस में है और एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही। ये थोड़ा हा ये चाह रहे हैं कि भाई इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और जो उच्च अधिकारी हैं इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए और हम भी कोशिश में यही है कि भाई जैसे जो सैलरी नहीं मिल रही है हमारे जो MD साहब हैं, चेयरमैन हैं, वो लगातार इसी कोशिश में है कि भाई HRC दोबारा से अपनी उसी फॉर्म में आए और
एम्प्लॉयज को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आई थिंक लगभग सारे ही कर्मचारी हैं, आई थिंक 62 एम्प्लॉयज हैं जो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ भी हैं, एचआरईसी के जो कॉरपोरेशन के पर्सन हैं एम्प्लॉयज हैं वो भी हैं इसमें। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।